ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। कैंट विधानसभा के वार्ड संख्या 39, 40 और 41 के सफाई कर्मियों व पर्यावरण मित्रों के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड एवं वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संयोजक प्रमुख पर्यावरण एवं जल संरक्षण गतिविधियां उत्तराखंड के डॉक्टर आरबीएस रावत, अति विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार ओएसडी धीरेन्द्र पवार उपस्थित रहे। इस सम्मान समारोह के अवसर पर कार्यक्रम में आए हुए लोगों ने सफाई कर्मियों की फूल वर्षा की और साथ ही पर्यावरण मित्रों को रुपयों की माला से स्वागत भी किया। साथ ही उन्हें राशन, मास्क, सैनिटाइजर भी दिया गया। वहीं कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने बताया कि जिस प्रकार से भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता दिनेश रावत ने अपने कैंट विधानसभा क्षेत्र में महामारी के कारण शुरू हुए लॉकडाउन के पहले चरण से लेकर आज तक दिनेश रावत ने हजारों परिवारों को उनके जरूरत का सामान राशन पहुंचाने का काम किया है, जो कि अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय व सराहनीय पहल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के ओएसडी धीरेन्द्र पवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक आह्वान पर जिस तरह आम जनता की सेवा की है, उनमें से एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश रावत का नाम भी आता है और जिस तरह दिनेश रावत ने जरूरतमंदों के दुख दर्द को अपना समझा और ये लोगों की जन सेवा में दिन रात एक कर दिया, रावत की ये सोच काबिले तारीफ है। तो वहीं दिनेश रावत ने पर्यावरण मित्रों के सम्मान समारोह के लिए आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आभार प्रकट किया और कहा कि मुझे पीएम मोदी जी की बातों से प्रेरणा मिली है कि किसी भी कार्यकर्ता को एक छोटी सी पहल से कई परिवारों को दो वक्त की रोटी नसीब हो सके, तो इस पहल को अपनी प्राथमिकता समझकर करना चाहिए और यही पहल दिनेश रावत ने अपनी कैंट विधानसभा में हजारों जरूरतमंद परिवारों को राशन व जरूरत के सामान देकर की है और इस पहल के लिए कैंट विधानसभा के लोग अपने वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश रावत के मुरीद हो गए हैं। देहरादून से श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।